ऑपरेशन हो गया, आपने ऑपरेशन बताया, तो दवाइयों से तो पीछा छुड़ाओ भाई, अब तो आपने सब ठीक कर दिया अंदर से, अब किस चीज़ की दवाई खानी है? हमारी डिजीज तो ठीक हो गई आपके सर्जरी से, ब्लॉकेज आपने खोल दी है, अब थोड़ी दवाई खानी है। लेकिन दवाई आपको खाते रहना उम्र भर, दवाई नहीं छोड़नी है कि डर है कभी भी ब्लॉकेज दोबारा हो जाए। होम्योपैथी और एलोपैथी में अंतर क्या है? ज्यादातर लोग शायद एलोपैथी को प्रेफर करते हैं या फिर उसके ज्यादा इंस्टीट्यूशन हैं और उनको सभी लोगों को यही गाइड किया जाता है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके इलाज करें, एलोपैथी में आपका बेहतर इलाज होगा। लेकिन जब एक बार इलाज शुरू होता है तो वो ख़त्म होने के बजाय बीमारियाँ जो हैं वो नए नए रंग रूप बदलती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी में देखें तो एक बार जिस बीमारी का इलाज किया गया तो दोबारा वो बीमारी होती नहीं है। लेकिन शायद जागरूकता नहीं है, लोगों को नहीं बताया गया है या इस तरफ डायरेक्शन नहीं दी जाती कि सारे लोग ठीक ही हो जाएंगे तो फिर एलोपैथी में कौन आएगा। तो ये भ्रम है, इस भ्रम को आज मिटाने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शक्तिधर शर्मा हैं, जिनकी लगभग अब 40 वर्ष हो गए हैं इन्हें प्रैक्टिस करते हुए होम्योपैथी में। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी और एलोपैथी में पहले तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? जी, होम्योपैथी साइंस जो है वो एलोपैथी के बाद आई है जी। और एक डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन थे जर्मनी के, जो प्रैक्टिस करते थे और वो एलोपैथिक में आज भी ऐसा है। वो कहते थे कि जब भी मैं किसी को दवाई देता हूँ, वो कहते हैं कि जब मैं 2 दिन दवाई डॉक्टर साहब नहीं खाता हूँ फिर मुझे वही गैस हो जाती है या बीपी चढ़ जाता है या शुगर मेरी बढ़ जाती है, कि दवाई पे ही मैं डिपेंड रहता हूँ एलोपैथी में। हाँ, एलोपैथिक में तो वो बड़े मतलब हुए परेशान, बड़े मतलब कि अच्छे सर्जन थे कि हम धोखा कर रहे हैं मरीज के साथ, जो उसको इलाज देते हैं और दवाई पे ही छोड़ देते हैं, और जो क्योर नाम की चीज़ है कि इलाज हो गया अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी दिन हमारे पास आता ही नहीं है कि वो तो हम एक दवाई ख़त्म होती दूसरी पे चले जाते हैं, तीसरी पे चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो बड़े सज्जन पुरुष थे, तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, मुझे पैथी पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बाहर बोर्ड लगा दिया, आई एम नो मोर डॉक्टर, तो प्लीज़ मेरे पास मत आओ, तो मैं आपका सही से इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ दिन बीत गए, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि एक बार कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में आ गई, बीवी भी परेशान हो गई, भाई आपने प्रैक्टिस भी छोड़ दी है तो हमारा खाना पीने का कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे। तो वो उनके एक फ्रेंड थे तो उनके पास गए, तो वो कहते यार तेरे पास इतना नॉलेज है, तू इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और जर्मन लैंग्वेज, वो जर्मन तो खुद थे, जर्मन लैंग्वेज जानता है, ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि उनको लैंग्वेजेस बहुत आती थी, 6-7 लैंग्वेज जानते थे। तो मेरे पास यार वो दरअसल पब्लिशिंग का काम करते थे, तो कहते मेरे पास आजकल डिमांड है, कोई पुरानी ग्रीक की कुछ बुक्स आई हुई हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जर्मन में ट्रांसलेट करना है, तो तुम वही काम करो, थोड़ा तेरा दाना पानी चलेगा, थोड़ा बहुत मेरे से पैसे ले लिया करना। तो वो काम उसने शुरू किया, उसी में उस दौरान ही उसको एक किताब में, ग्रीक किताब थी, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि कभी कोई गलती से, ये कुनीन का पेड़ होता है जो मतलब कि सिंकोना बार्क इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कोई अगर पत्ते गलती से मुंह में चले जाए, कोई पत्ते खा ले तो उसको ऐसा होगा कि सर्दी लगेगी और बुखार चढ़ जाएगा उसको। उन दिनों में मलेरिया बहुत डेडली डिजीज थी, तो मलेरिया की वजह से वहाँ पर काफ़ी डेथ भी होती थी, पूरे पूरे एरिया में मलेरिया फैलता था और काफ़ी ये बीमारी जो है काफ़ी डेडली थी। तो वो कहते कि यार हमारे से मलेरिया ठीक नहीं होता है, और ये पूरे सिम्टम वो कह रहा है कि मतलब ये पत्ते खाने से ठंड लगेगी और मलेरिया में भी ठंड लगती है, तेज बुखार हो जाता है, तो जिसको ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है तो उसको जो पत्ते खिला दो तो उसको क्या हो जाएगा, उसको तो ऑलरेडी हो रहा है। तो उसी के घर में उसके भाई की बेटी थी, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसको, 1.5-2 महीने से वो बीमार थी, तो किसी वक्त भी इसकी डेथ हो जाएगी, इसको मलेरिया और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसने क्या किया कि वो कुनीन के पत्ते लिए और रात को जब सो गए उसने उसको घोट के उसका जूस बनाया और 2 चम्मच जो है उसका कुनीन के पेड़ का
वो उसको रात को पिला दिया और खुद वो मतलब कि सो गए। वो कहते कि अब तो जा तुझे मारी जाएगी, वो डॉक्टर ने बोला ही हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। तो वो कहते मैं रात मैं सोया रहा, लेट तक सोया रहा, कोई 9 बज गए, मैं उठू नहीं कि सब अब रो रहे होंगे घर वाले सारे कि वो मर गई होगी। तो कहते फिर मैं बोली देर हो गई, कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं मुझे आई। तो मैंने खिड़की खोली थोड़ी बाहर की, तो धूप में मैंने देखा कि वो पिछले 2 महीने से जो लड़की उठी नहीं थी बेड से, वो बाहर मुझे खेलते हुए दिखाई दी। सुबह वो बाहर 9 बजे खेल रही थी। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि देखो ऐसा चमत्कार हो गया है कि जो चीज़ हम जानते नहीं है। और जो डॉक्टर ने सारा जवाब दिया था और उसके बाद, और ये तो एक पेड़ है, अब नेचर में कितनी वनस्पति हैं, कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ पौधे औषधीय हैं। अगर हम इस पे रिसर्च करें और ऐसे कोई इलाज हो जाए कि जिसे ये दवाई जैसा लोहा लोहे को काटता है, सिमिलर क्योर सिमिलर जो पुराना फिजिकल सिद्धांत है, तो जी ऐसा उसने सीरीज है। फिर वो रिसर्च करता चला गया अलग अलग पौधों पे। तो वो क्या कि वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग को लेता था, कि हेल्थी मर्जन को उसको खिलाता था, भाई तुझे क्या हो रहा है, वो उसके सिम्टम रिकॉर्ड करता था कि ये खाने से तुझे होता था। और वैसे ही उस डिजीज का जब कोई बंदा आता था उसको वो दवाई दी जाती थी, तो उससे उसको ठीक हो जाता था और हमेशा के लिए ठीक हो जाता था। कोई ये नहीं कि दवाई उम्र भर खाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। होम्योपैथी की अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो आप मतलब हमेशा के ठीक, लिए ठीक हो जाएंगे, वो डिजीज दोबारा लाइफ में आपको आएगी नहीं। एलोपैथी में ऐसा नहीं है। एलोपैथिक भी नहीं है, एलोपैथिक में सप्रेसिव है, उनका जो अपर हैंड है वो इमीडिएट पे है, इमरजेंसी पे है। अगर आपको एकदम कुछ हो गया, कोई चक्कर आ गया, कुछ हो गया, बीपी तेज हो गया, तो इमीडिएट आपको इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन फिर आपको उसकी दवाई ही खानी पड़ती है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है 6 महीने साल के बाद। इवन दवाई की डोज बढ़ सकती है, कम नहीं होती है वो। कोई पहले आप एक गोली खा रहे थे, अब बीपी नहीं उसमें कंट्रोल हो रहा था, 2 गोली खानी पड़ेगी। और 20 साल 25 साल इलाज के बाद क्या आपके पास जो नेट रिजल्ट मिलता है कि आपकी किडनी भी अब खराब हो चुकी है, आपको और भी डिजीजेज लग चुकी हैं। तो मतलब बीपी के 2 साल 4 साल बाद लोगों को शुगर हो जाती है, या शुगर होने से बीपी हो जाता है, ये साथ साथ में दोनों डिजीजेज चलती हैं। मतलब ये अगर बीपी शुगर ये नॉर्मल जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूसरी, ये सब इनका भी इलाज है, परमानेंट इलाज। हाँ, 6 मंथ टू 1 ईयर। अब हमारे पास 1 महीने का पुराना पेशेंट आता है और एक पेशेंट आता है जो कोई 10 साल से उससे डिजीज से ग्रसित है, तो उसमें टाइम पीरियड का फर्क पड़ता है। अगर फ्रेश हमें मिल जाए, लेकिन हमें सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लोगों ने रखा है कि जब 2 साल 4 साल वहाँ नहीं ठीक होता फिर वो हमारे पास आते हैं। अगर हमें पहले महीने में वो मरीज मिल जाए तो उसके बाद वो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती है, वो उसका इलाज जो है बहुत जल्दी 3 महीने 4 महीने में हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। किन किन बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है, आप कर सकते हैं? हाँ जी, खासकर जो सर्जिकल डिजीजेज हैं उसका इलाज तो बहुत अच्छा है, जैसे कोई किडनी के स्टोन है, इवन गॉल ब्लैडर के स्टोन की भी दवाई है। लेकिन है कि लोगों में इतना पेशेंस नहीं होती, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं, 6 महीने से साल भी लग जाते हैं उनको ठीक होने में। तो बाकी जो पाइल्स है, जो बड़ी कॉमन बीमारी है इस वक्त, लोग 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, 3 बार फिर हो जाता है, पाइल्स का अच्छा इलाज है। बाकी कुछ बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं, बच्चों की हड्डी बड़ी हुई है उसका कोई इलाज है। या बाकी लेडीज़ में जो मतलब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, रसौलियाँ जो हम डोगरी में उसको रसौलियाँ बोलते हैं, तो फाइब्रॉइड्स का इलाज है, ओवरियन सिस्ट है, और बच्चों में आजकल लड़कियों में, छोटी लड़कियों में पीसीओडी की बीमारी है, ओवरियन सिस्ट वगैरह हो जाती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसे हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, मोबाइल चला चला के ओवरवेट हो जाते हैं। इन सब लाइफस्टाइल डिजीजेस का भी बहुत अच्छा इलाज मतलब हार्ट डिजीजेस का भी इलाज हो जाएगा, है। जी, हर तो हर किसी को डिजीज का कोई इलाज है। हाँ, कोई कोई जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो गई या कुछ हो गया। ब्लॉकेज के मेरे पास इस वक्त भी कम से कम 15 से 20 पेशेंट हमेशा रहते हैं जो दवाई खा रहे हैं, और उनका जो टेस्ट कराते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट पहुंच जाते हैं जब डॉक्टर भी उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, जब किसी की शुगर बहुत ज़्यादा है, अब हार्ट की बीमारी है तो उनको बाईपास सर्जरी करनी है या कोई एंजियोप्लास्टी करनी है, तो उनको क्या कि अब वो डॉक्टर भी कई बार नहीं हाथ लगाते हैं, क्योंकि वो इतना वीक है, या एज फैक्टर है, 84-85 एज है, तो उन लोगों में अब सर्जरी भी नहीं हो सकती है। अब वो नहीं उनके पास इलाज है और नहीं सर्जरी हो रही है,
ऐसे लोग फिर हमारे पास पहुंचते हैं कि कम से कम एक डिजीज पता चली और उसका इलाज भी नहीं जो लोग दे पा रहे हैं, फिर वो आते हैं, तो उन पे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि ये दवाई उनको क्या असर कर रही है। बाकी एकदम जहाँ पर उनका वो सर्जरी का होता है तो वो तो ऐसा माहौल बनाया बन जाता है कि ये नहीं कराएंगे, इमीडिएट आप नहीं कराओगे तो ऐसा हो जाएगा, अल्टीमेट बोल देते, मतलब डेथ ही है आपकी। वो तो सीधा कह देते हैं कि 2-3 महीने में इलाज नहीं हुआ, डेथ ही है वो अल्टीमेट। फिर क्योंकि आजकल थोड़ा कमर्शलिज्म भी हर सिस्टम में आ गया है तो वो लोगों को यही डरा धमका के ऑपरेशन करा दिए जाते हैं। और चलो ऑपरेशन हो गया, आपने ऑपरेशन बताया तो दवाइयों से तो पीछा छुड़ाओ भाई, अब तो आपने सब ठीक कर दिया अंदर से, अब किस चीज़ की दवाई खानी है, हमारी डिजीज तो ठीक हो गई आपके सर्जरी से, ब्लॉकेज आपने खोल दी है, अब थोड़ी दवाई खानी है। लेकिन दवाई आपको खाते रहना उम्र भर, दवाई नहीं छोड़नी है कि डर है कभी भी ब्लॉकेज दोबारा हो जाएगी। एक बार मछली फंसी जाल में तो फिर वो छूटेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक थेरापेटिक कंपनी ऐसी हमारी जो दवाइयों की कंपनी है वो ऐसा है। और वेस्ट में लोग आजकल बहुत कम दवाई खाते हैं, वो लाइफस्टाइल अपना ठीक कर रहे हैं और वो लोग इतना दवाई खाते नहीं है। हमारे इंडिया में जो है कि लोग अभी थोड़े से जल्दी परेशान हो जाते हैं और दवाइयों की कंपनियों के घेरे में जल्दी आ जाते हैं। तो इससे जितने भी एलोपैथी वाले हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। देखो नाराजगी की बात नहीं है, जे वो भी जानते हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं कि उनकी दवाइयों में किस हद तक असर है और कितनी देर तक वो दवाई देनी है और इसका सलूशन नहीं निकल पाता है, वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, हमसे ज़्यादा जानते हैं। और उनसे ज़्यादा वो लोग जो मरीज जो है पिछले 20 साल से दवाई खा रहे हैं वो और ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं कि इस डिजीज़ से, जो पहले हम एक गोली खाते थे आज 4 गोली खाते हैं और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और किडनी का भी क्रिएटिनिन अब बढ़ना शुरू हो गया है और अब हमें कहा कि आप डायलिसिस करा दो, वो करा लो, जबकि हमने 25 साल से इलाज किया था इस बीमारी का, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो एलोपैथिक लोग तो बेचारे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनके साइंस ही ऐसी है, वो साइंस की लिमिटेशंस हैं और साइंस में हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है, नए नए मतलब रिसर्च चलती रहती है, तो कल और वो भी अच्छा सोल्यूशन निकाल लेंगे इस चीज़ का। होम्योपैथी में इलाज है, थोड़ा सा समय लगता है, लोग थोड़ा धैर्य रखें तो वो सच में ही ठीक हो सकते हैं, दोबारा वो बीमारी होगी नहीं। पेशेंस जो है, पेशेंस से हर चीज़ क्योर होती है। हेस्टी स्टेप्स हम जब भी लेंगे तो हेस्ट मेक्स वेस्ट हो जाता है, इसलिए आपको पेशेंस रखनी है। जब कोई चीज़ कोई डिजीज़ आपके सामने आती है, डायग्नोज होती है, आप ये आपके पास सिस्टम है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हमारा आयुर्वेद है, आप सबको करें, सबसे पूछें और जो आप बेटर अपने दिमाग में सोचते हैं कि नहीं ये बेटर वे में मुझे बता रहा है तो इसमें मेरी ये चीज़ ठीक हो सकती है, तो वहाँ जाना चाहिए। आपको एक ही सिस्टम में आप एकदम डिसीजन ले लेते हैं कि उन्होंने कहा कि शाम को सर्जरी कराओ और आप सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के तो जगह जगह आपको कंसल्ट करके तो अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैं एक और अंत में जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को आपसे इलाज करवाना है तो वो कहाँ आ सकता है, और ज़्यादा क्लिनिक्स तो हमें लगता है कि होम्योपैथी की है नहीं, तो थोड़ी जानकारी दे दें कि लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। नहीं अभी तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी होम्योपैथिक डॉक्टर हो गए हैं और नियर अबाउट 300 से 400 के बीच में रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, और इवन 30-35 डॉक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जो उनके लिए अलग तो हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर एक एक डॉक्टर होम्योपैथ रखा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में भी ये सेवा उनको मिल सकती है। और बाकी लोगों को जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है तो वो सीधा एलोपैथी में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, अब जागरूकता दे रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, वो साफ कह देते हैं कि इसमें हमारे सोल्यूशन नहीं निकलना है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लें। अब वो जागरूकता एलोपैथिक डॉक्टरों में भी आ चुकी है, तो वो भी पेशेंट को गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, और वो उनको पता है कि हमारे सिस्टम में इसको कोई इतना सोल्यूशन निकलना नहीं है, तो वो भी हमारे पास तो काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर मेरी लिस्ट में काफ़ी डॉक्टर। कहीं डॉक्टर तो नहीं है आपके पास आके इलाज करा रहे हैं, आपकी दवाइयाँ खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर भी आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आते हैं, जब मरीज चले जाते हैं फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब आप कोई है तो नहीं, तो फिर वो थोड़े लेट आते हैं, तो वो भी कराने, क्योंकि उनको पता है कि हमारे सिस्टम में इसका सोल्यूशन नहीं निकलना है, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर को तो ज़्यादा नॉलेज है ना उस चीज़ का। तो आप अपनी क्लिनिक के बारे में आप बता दें कि कोई आपसे इलाज करवाना चाहता है तो वो। हाँ जी हाँ जी, मेरे 2 क्लिनिक हैं, एक तो परेड में है मोती बाजार में जहाँ मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये 4 साल पहले ये त्रिकुटा नगर में भी, क्योंकि वहाँ सिटी में कुछ पार्किंग की प्रॉब्लमें थी, लोग आते थे तो वहाँ परेड में गाड़ी में
एक बंदा गाड़ी में बैठता था, बेचारी वाइफ गाड़ी में थी तो बंदा मेरे पास आता था, क्योंकि गाड़ी लगाने की पड़ती थी। इसलिए थोड़ा सोचा कि कहीं थोड़ा बाहर भी क्लिनिक खोला जाए, तो यहाँ पर कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो जहाँ एक त्रिकुटा नगर में भी क्लिनिक है, तो जहाँ सुबह शाम मैं बैठता हूँ, दिन में मैं सिटी में होता हूँ, तो आप मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी हर जगह पे जहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर हैं, उधमपुर है, कठुआ है, तो उनके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, और अच्छे तरीके से इलाज हो जाता कोई अंत में आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि है। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जी तो बढ़ना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, मेरी यही गवर्नमेंट से, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे यही अपील है, लोगों को एक जागरूक किया जाए कि कौन से सिस्टम में कौन सी बीमारी ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकती है, क्योंकि वो बेचारे एलोपैथी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहीं से इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन है कि वहाँ पे उनको एडवाइजरी हो, भाई डिजीज़ का एनालाइज किया जाए, तीनों तरह के डॉक्टर हों वहाँ पर, आयुर्वेदिक हों, होम्योपैथिक हों, और तीनों डॉक्टरों के पास वो मरीज़ देखे, और तीनों सलाह करके डॉक्टर ही उसको बताएं, तरीका बताएं, भाई यार ये हमारे पास तो ऐसा काम है कि अगर ये अब आज बीपी आपका हुआ है तो आज गोली आपको लग गई तो आपको जीवन भर गोली लग जाएगी, ये इनसे होम्योपैथ से पूछ लो कुछ, आपका लाइफस्टाइल ये ठीक करवा सके, या कुछ ऐसे तरीके से कोई ऐसी दवाई दे ताकि हमेशा के लिए आपको उस डिजीज़ का मरीज़ नहीं बना जाए, तो वो डॉक्टर लोग खुद भी डिसाइड करके बता सकते हैं, पेशेंट को तो इतनी जानकारी नहीं होती है कि कौन से सिस्टम में कौन सी डिजीज़ ऐसी है, तो हॉस्पिटल में ऐसे एडवाइजरी बोर्ड बनने चाहिए तो हर मरीज़ को देख के तीनों तरह के डॉक्टर बैठे, जैसे अभी दिल्ली में ये चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में, वहाँ पे तीन क्लिनिक होते हैं, तीनों डॉक्टर बैठे होते हैं, तो आपस में वो मशवरा करके वो पेशेंट को पूरी तरह से गाइड करते हैं कि कौन सी डिजीज़ कौन सी सिस्टम में जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर फौरी इलाज है, पहले एलोपैथिक, चलो जी आप 2 महीने आप एलोपैथी का कर लो, थोड़ा बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, इन लॉन्ग रन जो है फिर आप होम्योपैथी स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरीके से वो गाइड करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए प्रेस का भी सहारा लिया जाए, और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम सेमिनार्स वगैरह होना चाहिए हमारी स्टेट में भी, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी जानकारी मिल जाए लोगों को। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। थैंक यू, थैंक यू। डिफरेंस तो है, और जो इन्होंने बताया, जिस तरह की जानकारियां इन्होंने दी वो हैरान करने वाली हैं। एलोपैथी में ये कह रहे हैं कि एक बार अगर आप वहाँ पर आपने वो मेडिसिन शुरू की, इलाज करवाना शुरू किया, तो वो फिर गोलियां जो हैं पहले एक शुरू होती है तो फिर बाद में दो चार ये बढ़ती रहती हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो बीमारी जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी और दोबारा होगी नहीं। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटलों के अंदर भी पेशेंटों को भी गाइड किया जाए, उन्हें बताया जाए कि कौन से इलाज से उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और उसका आउटपुट भी उन्हें जीवन में मिलेगा। जानकारियां लोगों को अगर मिलेंगी तो ही लोग बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे। तो कुछ अच्छे सुझाव इन्होंने दिए हैं और लोग भी इस पर ध्यान दें और देखते रहें दैनिक खेड़ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।